6-in-1 बेंच ऑर्डर की थी उस प्राइस रेंज के हिसाब से, और बट ये 8-in-1 बेंच है। पता नहीं कंपनी वालों को क्या मतलब क्या ही हो गया भाई। मतलब सही है यार, मेरे तो फ़ायदा ही है, बट कीजिए कि आपको अगर बेंच को अमेज़ोन पे जो आपको लेंथ ज़्यादा दे रही हो, ज़्यादा ब्रेथ दे रही हो दोनों के बीच में, तो आप उसको परचेज़ कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इस बॉक्स में पड़े हुए चीज़ की, जो कि है 6-in-1 बेंच। और मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया हुआ है, जिसपे ये लोग लिखते हैं कि ये हैवी ड्यूटी के लिए है, हैवी वर्कआउट के लिए है, और इसमें 6 एक्सरसाइज हो जाती हैं। सो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये वर्थ इट है कि नहीं अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, और इसमें 6 एक्सरसाइज में कोई ऐसा मतलब फ्रॉड तो नहीं है कि कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं रही है और उसको दे दिया हुआ है। ज़्यादा ऑप्शन के चक्कर में आदमी ले लेता है, फिर उसको मतलब बाद में डिफ़िकल्टी होती है कि यार ये तो फालतू में ऑप्शन दिया हुआ है। सो वही चेक करेंगे हम लोग एक नॉर्मल कंज्यूमर के तरीके से। और ये देखिए, ये सब सामान निकला हुआ है। ये अभी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो एक बहुत गया है। इंटरेस्टिंग सा एक्सीडेंट हुआ हमारे साथ। मतलब मैंने 6-in-1 बेंच ऑर्डर की थी उस प्राइस रेंज के हिसाब से, और बट ये 8-in-1 बेंच है। पता नहीं कंपनी वालों को क्या मतलब क्या ही हो गया भाई। मतलब सही है यार, मेरे तो फ़ायदा ही है, बट क्या मतलब आप इस पे देखिए 8-in-1 बेंच। और मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, उस पर 6-in-1 बेंच लिखा हुआ है, बट इन लोगों ने 8-in-1 बेंच दे दिया, जो कि मेरे को नहीं चाहिए था क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स थे और मैंने उसके बारे में मतलब पढ़ा हुआ था, तो उसमें कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही थी। सो देखते हैं क्या, अब देखते हैं हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है 8-in-1 बेंच का। सो लेट्स गो। हमारी ये बेंच तो असेंबल हो चुकी है, और बहुत ही मतलब मेरे को एक्सपेक्ट नहीं ऐसा किया था कि इतनी प्रीमियम क्वालिटी की होगी, बट इसका जो मटेरियल है मैं मतलब फील करके बता सकता हूँ कि भाई बहुत टफ है। जहाँ तक कि हैवी ड्यूटी की बात रही तो शायद ये टेस्ट पास कर जाए। सो मेरे को अभी तक तो कोई प्रॉब्लम तो मतलब ऐसे नहीं, जैसे फर्स्ट व्यू से जो होता है वो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि फर्स्ट व्यू से कुछ इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। बट अब इसके एंगल्स देखते हैं कि जैसे कि मैं इसमें अभी डंबल फ्लाई में अभी करूँगा, तो इसके एंगल्स देखने कि एंगल्स इसके सही बैठते नहीं बैठते बॉडी के साथ। सो बस वही टेस्ट करना है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है, और काफ़ी लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं ये जो हिलता है। भाई मैं अभी में मेरे पास है, तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ से जॉइंट है, केवल यहाँ से सपोर्ट है इसका, और ऐसी ही बेंच ऐसी ही होती हैं। जब आप इसको इंक्लाइन करेंगे डिक्लाइन करेंगे तो ये मतलब इतना तो भाई मिलेगा ही मिलेगा। ये बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मैंने जो ये 6-in-1 बेंच मंगाई थी, और ये 8-in-1 बेंच आ गई है बाई डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसको मतलब अमेज़ॉन से कंफर्म करूँगा या उनके सर्विस सेंटर पे कॉल करके पूछूँगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और इसमें क्या मतलब फ़र्दर इंक्वायरीज़ क्या होने वाली हैं, क्या मतलब इसका क्या रहेगा आगे प्रोसेस, कि चेंज होगा या कुछ क्या होगा, वो मैं मतलब देख लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आप ये इसको रख लूँ अपने पास और उनको कुछ बताऊँ ही ना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, गलत काम कोई नहीं होते। सो सिंपल चीज़ है कि भाई ऑनेस्टी पे ही आदमी को रहना चाहिए। सो इसके डंबल फ्लाई परफेक्ट एंगल पे फिक्स्ड हैं, मेरे केस में ये परफेक्ट काम कर रही है। एंगल इसके इसके एंगल परफेक्टली बैठ रहे हैं चेस्ट के साथ, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा। बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो काफ़ी टफ मटेरियल यूज़ हुआ है मेटल, और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो शायद वो नट की दिक्कत हो सकती है, नट वगैरह जो बोल्ट वगैरह होते हैं शायद उन्होंने सही से टाइट नहीं किए हों। सो उसको एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैनुअल में भी इन लोगों ने लिख रखा है, उन्होंने लिख रखा है प्लीज़ टाइट द स्क्रू केयरफुली एंड टाइटली, काइंडली मेक श्योर द स्क्रू शुड बी प्रॉपरली टाइटेंड। सो स्क्रू मतलब अच्छे से टाइट करके ही आपको इसको यूज़ करना है, तभी आपको एक अच्छी क्वालिटी का एक्सपीरियंस मिल पाएगा। स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, तो स्टेबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी मैं कहूँगा, अगर 5 से स्टार देने पड़े तो 4 स्टार तो मैं स्टेबिलिटी को दे दूँगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल ही सही है। एक एक्सरसाइज करने के लिए आपको कोई भी रुकावट इसकी स्टेबिलिटी में नहीं आने वाली है, और कई लोगों को लगता होगा ये हिलती रहती होगी, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको हिला के देखूँ तो ये मतलब बिल्कुल भी टस से मस, वैसा नहीं है कि एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो इधर को हिल रही है उधर को हिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और अगर इसकी मैं एक ड्रॉबैक की बात करूँ, मेरे को सिर्फ अभी तक एक ही ड्रॉबैक अभी मेरे को मिला मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि इसकी जो
लेंथ है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो विड्थ है ये कम है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे ग्रिप तो बन जाती है, रॉड के हिसाब से भी सही है, बट यहाँ पे ग्रिप तो बन जाती है, बट आपको क्लोजली पकड़ना पड़ेगा। सो आप इसको देख लीजिए कि आपको अगर बेंच को अमेज़ॉन पे जो आपको लेंथ ज़्यादा दे रही हो, ज़्यादा विड्थ दे रही हो दोनों के बीच में, सो आप उसको परचेस कीजिए। सिर्फ इसमें एक ही ड्रॉबैक है जो मैंने आपको बता दिया, बाकी मेरे को और कोई ड्रॉबैक नहीं लगा। बट अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, ये चीज़ और वो डिप्स वाली, सो डिप्स वाली तो परफेक्टली बैठ रही, वो भाई वो लोगों को लगेगा कि वेस्ट वेस्ट ही ऐसे ही बढ़ाने के लिए लगा दिया है, बट मैं कहूँगा वो परफेक्टली जा रहा है। वो आपको फील होगा, पेन फील होगा, वो आपके चेस्ट में जो आपके डिप्स हैं जो नॉर्मली आप किसी ऊंची चीज़ पर लगाते हैं वो आपको मतलब यूज़ में आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि फालतू में लगा हुआ है, बट वो एग्जैक्टली काम कर रहा है प्रॉपर वे में। और ऊपर वाली चीज़ भाई मेरे को नहीं एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने एक्सरसाइज कभी ऐसे की नहीं है, सो इस चीज़ का तो भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये चीज़ लगी है ठीक है लगी है। तो बाकी लेग्स की भी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी हुई हैं और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से, मेरे को तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ एक चीज़ हो सकती है, एक और चीज़ है, मेरे को जो पीस मिला है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे ये निकला हुआ है, सो इतना चलता है भाई, जिम वाले बंदे हम लोग इतना तो सह लेते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और इस ये इसका जो जो मटेरियल है ये भी सही है काफ़ी, इसमें भी स्पंज टाइप में हार्ड मटेरियल थोड़ा है बट कंफर्टेबल है, प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।